कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आज जिंदगी में पहली बार हार कर भी भाई एक टीम की तारीफ इस वजह से करनी है कि भाई पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है, लेकिन भाई किसको पता था कि मैक्सवेल आके खड़ा हो जाएगा और 126 पे 191 नॉट आउट जाएगा भाई। वेल डन। ज्यादा टर्निंग विकेट नहीं दी गई अफगानिस्तान को और बॉल स्विंग कर रहा था, उसका भरपूर फायदा उठाया। बाद में थोड़ा तजुर्बे का फायदा उठाया, राशिद खान के बीच की विकेटें आईं। क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि जब ये क्वालिटी स्पिन के आगे आएंगे ये इनके ऑलराउंडर्स तो ये बेकार हो जाएंगे। वो बेकार हो गए, पर ग्लेन मैक्सवेल एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है इनके मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ के बाद, जो स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है और बहुत अच्छा मारता है। जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने आखिरी 60-70 रन बनाए, पहले भी अच्छे बनाए, लेकिन टांग उसकी चल नहीं रही है और वो सिर्फ अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स, यहाँ से वो छक्के मार रहा है सिर्फ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ है और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से ये जीत हासिल की है। पर ये मैच की बड़ी बात ये रही है कि मैक्सवेल ने ऐसी अद्भुत पारी खेल दी जो अभी तक क्रिकेट इतिहास में कभी खेली नहीं गई थी। आज 91 रनों पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर चुके थे और वो 291 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। तो ये वहीं पे यहाँ मैक्सवेल ने ऐसी पारी खेली और मैक्सवेल ने 201 रन बना के ये बता दिया कि मैक्सवेल कितने बढ़िया ऑलराउंडर हैं उन्होंने और इतिहास रच दिया। और चेस करते हुए वनडे क्रिकेट में आज तक किसी ने भी 2 शतक नहीं लगाया था, उन्होंने ये भी इतिहास अपने नाम किया। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक मैच में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनवाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो ये हर रिकॉर्ड को यहाँ तोड़ दिया है मैक्सवेल ने। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है और पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इस पे। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ऑस्ट्रेलिया को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। आज जिंदगी में पहली बार हार कर भी भाई एक टीम की तारीफ इस वजह से करनी है कि भाई पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि अफगानिस्तान ये मैच जीत गया है, लेकिन भाई किसको पता था कि मैक्सवेल आके खड़ा हो जाएगा और 126 पे 191 नॉट आउट जाएगा भाई। वेल डन भाई, भाई वेल डन, तारीफ करनी पड़ेगी भाई मैक्सवेल की। भाई क्या दोया है यार, अफगानिस्तान के बॉलर्स को क्या दोया है मैक्सवेल ने। ज्यादा टर्निंग विकेट नहीं दी गई अफगानिस्तान को और बॉल स्विंग कर रहा था, उसका भरपूर फायदा उठाया। बाद में थोड़ा तजुर्बे का फायदा उठाया, राशिद खान के बीच की विकेटें आईं। क्योंकि मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि जब ये क्वालिटी स्पिन के आगे आएंगे ये इनके ऑलराउंडर्स तो ये बेकार हो जाएंगे। वो बेकार हो गए, पर ग्लेन मैक्सवेल एक वाहिद ऐसा खिलाड़ी है इनके मिडिल ऑर्डर में स्टीव स्मिथ के बाद, जो स्पिन को बहुत अच्छा टैकल करता है और बहुत अच्छा मारता है। जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने आखिरी 60-70 रन बनाए, पहले भी अच्छे बनाए, लेकिन टांग उसकी चल नहीं रही है और वो सिर्फ अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स, यहां से वो छक्के मार रहा है सिर्फ। तो कमाल कर दिया भाई, ग्लेन मैक्सवेल की जितनी तारीफ की जाए, डबल टन और ऐसा डबल टन शायद ही आपने किसी का देखा हो चेजिंग कॉज में। आई थिंक ये फर्दे वाहिद बन गया है दुनिया का। शुक्रिया जी मिस प्लोज, बहुत शुक्रिया। क्या किया उन्होंने आज, कैसे किया, इज इट फॉर रियल? देखें अगर आप मैच देखें तो आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में मैक्सवेल ने बैटिंग की है, जिस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी पावर हिटिंग की है, बावजूद इसके कि वो दौड़ने के काबिल नहीं थे, उनसे चला भी नहीं जा रहा था और बार बार उनका ट्रीटमेंट भी होता था, उनका सपोर्ट स्टाफ बाहर से आता था क्योंकि वो इतनी तकलीफ में थे कि उनसे रन भी नहीं लिया जाता था, और बहुत उन्होंने सारे रन अपनी बाउंड्री से निकाले हैं। और जिस तरह की शानदार पावर हिटिंग का या बड़े शॉट्स का उन्होंने मुजाहरा किया है, ऐसी कम ही आपको इनिंग्स मिलती हैं, और ये हदफ के ताकुब में पहली डबल सेंचुरी है कि जब आप हदफ के ताकुब में पहली डबल सेंचुरी, अगर आप इसको मुख्तलिफ हवालों से देखते हैं कि कहां से उन्होंने अपनी टीम को बैटिंग करने के लिए आए, उस वक्त क्या हालात थे, कितने दबाव में थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और अफगानिस्तान के खिलाफ दबाव में थी, जो कि जिसका शुमार दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमों में नहीं होता। एक ऐसी टीम जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, कई मरतबा वो वर्ल्ड चैम्पियन रहे, उनके लिए इससे ज़्यादा
परेशान कुन चीज हो नहीं सकती थी कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच हार जाएं। आज तो आज मैक्सवेल के लिए यकीन करें भाई, इस पूरे वर्ल्ड कप में, इस पूरे इवेंट में अगर कोई अच्छी इनिंग खेल के गया है तो वो मैक्सवेल खेल के गया है भाई। भाई डिजर्व करता था ये बंदा, ये जीत डिजर्व करता था, ये विन डिजर्व करता था जिस तरीके से ये अफगानिस्तान के स्पिनर के खिलाफ खेला है और पेसर के खिलाफ खेला है भाई, मैं बता नहीं सकता हूं। अनबिलीवेबल भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को भाई। मैच तो हम तब ही हार गए थे जब मुजीब ने कैच ड्रॉप किया और हमारे कैप्टन ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन भाई ये नहीं पता था कि मैक्सवेल इस तरीके से खेलेगा। अनबिलीवेबल भाई, पूरे वर्ल्ड कप को हिला के रख दिया है भाई मैक्सवेल ने। ये तो अफगानिस्तान की यही तो बदकिस्मती थी कि मैक्सवेल पिछले एक दो गेम में था नहीं और अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो मैक्सवेल रिकवर हो गया। साथ साथ एक और बड़ी खबर आई, लेकिन करंट हैपनिंग है, करंट मैच है। आईसीसी ने विराट कोहली के हारिस रऊफ को मारे गए छक्के को शॉट ऑफ द सेंचुरी कह दिया। पहले बेस्ट एवर सिंगल शॉट का खिताब मिला था, और हम लोग वो हैं जो पुराने लोग हैं उन्हें याद है, कुछ लोग शायद वर्ल्ड कप में जुड़े होंगे हमसे, कि यार जिस दिन वो शॉट लगा था उस दिन भी हमने कहा कि इट वॉज अमेजिंग। उसके बाद की अगले दिन की वीडियो में हमने ये अपील की कि डियर आईसीसी इसको कोई खिताब दे दो इस शॉट को, ये इस तरह का शॉट मारा है विराट कोहली ने, जो क्रिकेट खेला है या क्रिकेट को समझता है वो ये बेहतर समझेगा। तो इसलिए कह दिया था कि कल को अगर कोई ये शॉट ट्राई करे तो ये ना बोले कि मैंने बनाया ये। जी तो अब तो वो दे दिया उन्होंने शॉट ऑफ द सेंचुरी। लेकिन ये जो आज मैक्सवेल ने शॉट मारे अपनी टांग को लेग स्टंप पे रखे रखे, ये भी कुछ अजीबो गरीब बैटिंग। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में कैसे बात हो रही है कि मैक्सवेल कितना अच्छा इंटेंस खेलते हैं और हमारे प्लेयर्स वैसे इंटेंस नहीं खेल पा रहे हैं, और वहीं बीच एक और खबर आ रही है कि यहाँ जो आईसीसी ने हारिस रऊफ को जो विराट कोहली ने छक्का लगाया था उसको भी सेंचुरी ऑफ द ईयर कर दिया है कि सेंचुरी में पिछले 100 साल में ऐसे कोई शॉट नहीं लगा पाया खिलाड़ी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है विराट कोहली की, इस जो एरा है उसमें विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन नहीं अभी हुआ है ना ही होगा। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको कैसा लगा पारी मैक्सवेल का। और मैक्सवेल ने यहाँ 10 छक्के लगाए और 21 चौके लगाए और काफ़ी इन्जॉयमेंट था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।